मेरा परफॉर्मेंस जो है रेपिटेटिव हो गया, मैंने मोनोलॉग अपने दिमाग में रखा नहीं, भूल गया था। और दूसरी चीज ये है कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। ओवर कॉन्फिडेंट होना बहुत ही खराब बात है, बहुत ज्यादा नर्वस होना भी बहुत खराब बात है, लेकिन नर्वसनेस आपके परफॉर्मेंस में एनर्जी लाती है। तो एक डायरेक्टर है प्रोफेसर अलकादी खान, ने काफी काम किया, तो हमेशा हम लोग कुछ आदत होती थी कि शो से पहले बड़े एक्साइट हो जाते थे, सर आते हैं आपको तीस पार और बात रखते हैं आपको तीस पार समझते, तो बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं। तो फैसल बोलता था, नो गो एंड सिट इन वन कॉर्नर एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क। आई लर्न अ वेरी बिग थिंग फ्रॉम हिम कि स्टेज पे आने से पहले अगर मैं रिलैक्स हूँ और फोकस हूँ अपने परफॉर्मेंस अपने अंदर की इंटेग्रिटी लेके आता हूँ, तो मैं परफॉर्मेंस भी मच बेटर। इसीलिए सबसे बड़ा रूल है कि स्टेज पर आने से पहले आप फोकस रहिए, अपने रोल में रहिए, फालतू की गपशप मारने के लिए बहुत टाइम, शो के बाद भी टाइम है, कभी भी टाइम है, रिहर्सल से पहले टाइम है, लेकिन रिहर्सल के बीच में नहीं। और दूसरी चीज जो मैं कहना चाहूँगा कि किसी ने बोला कि ड्रीम एक्टर नहीं आया तो क्या होगा, अगर ड्रीम एक्टर नहीं आया तो उस आदमी से ज़्यादा घटिया कोई आदमी नहीं है, क्योंकि थिएटर इज टीम वर्क। और अगर आप मिलकर एक दूसरे के साथ काम नहीं कर सकते तो यू कैन नॉट परफॉर्म थिएटर। तो एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एवरी एक्टर मस्ट बी प्रेजेंट, बिकॉज एक भी आदमी अगर मशीन की तरह है, अगर उसमें से एक नट या एक स्क्रू निकल के चला जाए तो मशीन नहीं चल पाएगी। इसीलिए हर एक इंसान का होना हर रिहर्सल में, हर शो में जरूरी है। और मैं दो एग्जाम्पल दूंगा, हमारे थिएटर मेरी मित्र है सिंधु भाग्या मिश्रा, उनका मतलब अभी तो साहित्य कला परिषद की डिप्टी सेक्रेटरी हैं और सिंधु अकेडमी की सेक्रेटरी हैं। उनके फादर की वो डांसर भी थी और थिएटर डर थी, एक डांस शो से पहले उनके फादर की डेथ। दैट लेडी was brave, she came and performed the show, she danced, and dance karne ke baad logon ko bataya gaya ki unke father ki death ho gayi, but still she has come to perform, because sabse badi cheez jo hai performer ki hai, the show must go on. Aur ye film actor mein bhi nahi aadat hai ki last minute pe wo keh dete hain ki hum nahi aayenge, aaj mumbai ka deal ho gayi, wo gayi, jo director jo producer hai uska sara इतने सारे काम शाम करके फिर वो बहुत काम है होता, तो सारा इस्तेमाल करके सारी तैयारी करता है और उसके बाद कोई बोलता है नहीं है, तो वो टीम वर्क का हिस्सा नहीं है। तो हम लोग जो थिएटर एक्सरसाइजेस करते हैं सारे कुछ जो होता है, बहुत सारे वर्कशॉप जो होते हैं वो टीम वर्क के ऊपर होते हैं। और हमारे बादल सरकार ने हम लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा उस चीज़ के बारे में हमारे ध्यान में डाला। एक और नीलिमा अजीम है पंकज कपूर की फर्स्ट वाइफ, वो भी डांसर थी और उनका आज स्टेज पे डांस करते करते कोई बॉडी गिर गई और उस बॉटल के टुकड़े फ्लोर पे आ गए और उनका पाँव एक बॉटल के टुकड़े पे चला गया, शीशे के टुकड़े पे, और उनका पाँव खून से लथपथ हो गया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने पूरा परफॉर्म किया और उसके बाद उसने जीत लिया। तो ये कुछ मेमोरेबल इवेंट्स हैं कि जो डेडिकेशन है, जो लोग नहीं इन्वॉल्व हो सकते, जो लोग इतनी कमिटमेंट के साथ नहीं कर सकते, उनको थिएटर में या फिल्म में आने नहीं कर, उनको हर हालत में फर्स्ट प्रायोरिटी बाकी मेंबर्स की कन्वीनियंस, परफॉर्मेंस की कमिटमेंट, हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी बहुत टाइम लग जाता है उस थिएटर में जाने में, बड़े मुश्किल से, जैसे हमारा हस्बैंड स्वभाव है, हम कोई नहीं एक दो दिन जब थिएटर में जाने की कोशिश करते हैं, तो बाद में बहुत टाइम लग जाता है उससे वापस आने, तो सब कुछ रास्ता है थिएटर से जल्दी वापस आने, जल्दी वापस आने के लिए तो वही है कि हमको उसकी जो है कि कैरेक्टर की जो सारी मेमोरीज हैं उसका बॉनर रोल है वो आपको रिटेन करना पड़ रही है। तो पूरी कॉन्सेंट्रेशन का मामला है, आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई डिजाइन का काम कर रहे हो, कोई इंजीनियरिंग का काम कर रहे हो, कोई
लेख लिख रहे हो तो कभी कभी क्रिएटिव ब्लॉक आ जाता है आपके मन में, तो उसको ओवरकम करने का तरीका तो एक यही है कि आप 2 मिनट शांत रहिए, फोकस कीजिए, आपके बाहर की जो चीज़ें हैं उसको हटाइए अपने दिमाग के। वैसे मैं एक चीज़ बता दूँ, मेडिटेशन इज अ वेरी ग्रेट टूल, मैं उसको जिंदगी भर में मेडिटेट करता आया हूँ और सुष्मिता जी भी मेडिटेट करते हैं। मेडिटेशन इज अ वेरी पावरफुल टूल इन कंट्रोलिंग योर माइंड एंड इमोशन। कोई भी चीज़ आप करो, अगर आप मेडिटेट करोगे तो उससे आपको अपने पर्सनैलिटी को अपने बस में लाने का तरीका आपको मालूम होगा, रिलैक्स होगे, यू विल बी टेंस एज वेल एज रिलैक्स। तो ये उसका तरीका यही है, साइकोलॉजी का तरीका है। और सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको बता दिया कि मेडिटेशन, आप कोई भी सिस्टम पकड़ो आप मेडिटेट जरूर करो, बहुत अच्छा। फिल्म समीक्षा करते नहीं है ये तो आप खुद ही आपने इतनी अच्छी चीज बता दी कि संजीव कुमार जो है वो संजीव का एक्टर है। वो क्या था तीनों ही अपने लिए, संजीव कुमार या तीन एक्टर पकड़े, तीनों अपने लिए करते हैं, उनकी अपनी पर्सनैलिटी निकाल के तो उसमें क्या है, आप खुद निकाल के रहो। अभी आप एनालिसिस पे नहीं जाओ ना, आप तो ये करो कि मुझे क्या करना है, अपने अंदर जाओ, ठीक है अच्छी बात है, उसको एनालाइज करो। लेकिन उन चीज़ों में मैं अभी उसके लिए आप किसी क्रिटिकल रिव्यू, वैसे मैं क्रिटिक रह चुका हूँ, मैंने फिल्मों की समीक्षा भी की है, थिएटर की समीक्षा भी की है, 14 साल मैंने 7 साल पायनियर में लिखा है, 7 साल मिडडे में लिखा है, मेरा कॉलम था फुटलाइट्स ये सब किया है मैंने, लेकिन ये उसका मंच नहीं है, इसलिए मैं उसमें जाना नहीं चाहूँगा। अब मैं तो सोचूंगा कि टेक्निकल सवाल मैंने किया उसके बाद, ये वैसे है टेक्निकल सवाल, लेकिन अभी उसका टाइम नहीं, थोड़ा और आगे बढ़ो उसके बाद। और दूसरा क्वेश्चन, कॉमेडी कर रहा हूँ जल्दी जल्दी जा सकते हो, उसमें भी बहुत सोच समझ के काम करना पड़ेगा। कॉमेडी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है टाइमिंग, बहुत सही होना चाहिए। पहली चीज आपको अपने डायलॉग के और एक दूसरे के डायलॉग के, मैं एक्टर की बात कर रहा हूँ, उस पर हंसी नहीं आनी चाहिए, हंसी आ गई नाटक खत्म हो गया। दूसरा जब आपने जोक मारा है और ऑडियंस हंसती है और आप बोलते गए तो आपका जोक मार गया। यू मस्ट लर्न टू वेट फॉर द लाफ्टर टू डाई डाउन बिफोर यू से योर नेक्स्ट डायलॉग। और उसमें टेंस होने की कोई जरूरत नहीं है, तो ऑडियंस सोचते हैं भूल गया, कुछ नहीं होगा, उनको हंस के पूरा करने दो, उसके बाद आप अपना परफॉर्मेंस को आगे बढ़ाओ। और तीसरी चीज यह है कि कॉमेडी में क्या होता है कि अगर कोई चीज़ मैं बोल रहा हूँ उसमें जो मैं पॉज कैसे देता हूँ, कहाँ पे मैं डायलॉग को रोक के, जिसको बोलते हैं प्रेग्नेंट पॉज, बोल के और फिर बोल रहा हूँ, वो टाइमिंग बन के आती है। तीसरी चीज कि आप जो बोल रहे हो उसका जवाब मैं कैसे देता हूँ और कितने टाइम में देता हूँ, कभी मैं रोक के देता हूँ, कभी आपको ऐसी बात कहते हैं जिससे मैं झेल किया, मैं एकदम बोल रहा हूँ तो मेरी झेप नहीं निकल जाएगी, मुझे रुक के और फिर बोल रहा है। इसलिए जो कॉमेडी है उसमें टाइमिंग बहुत जरूरी है, तो जल्दबाजी आप कर ही नहीं सकती। मैं जब कोई नाटक पेश करता हूँ कभी कभी 6-6 महीने हमने रोबोट एक्टिंग किया था, 7-7 घंटों का 6 महीने लगाए थे हमने उस नाटक को करने में। एक और प्ले किया था डायलॉग को कांटे बोलते, वो भी मैंने करीब 5 महीने में उसके रिहर्सल किए, उसके बाद मैंने शो किया। कुछ डायरेक्टर 20 दिन में भी कर रहे थे, अपनी काबिलियत है, लेकिन हम तो एक्टर्स को परेशान करते हैं, अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के उसे परफॉर्मेंस निकालते हैं, लेकिन बाद में उनको ऐसी आदत पड़ जाती है, कहते हैं कि शो खत्म क्यों हो गया, हमें तो आगे करना था शो। तो ये चीज़ है कि ठहराव बहुत जरूरी है। चलूँगा आगे, मुझे भी चलूँ मैं, एनी अदर क्वेश्चन सर? क्या मुंबई जाए बगैर झांसी का एक कलाकार अच्छा फिल्म मेकर बन सकता है क्या, मुंबई जाए बगैर? आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ जी, कि क्या सभी लोग मुंबई में गए जो मुंबई
अच्छे एक्टर हैं, मुंबई मद्रास, ये फिल्म सिटी की बात है, मुंबई मद्रास है, भोजपुर, ये जो है आपका बिहार है, जी जी है, कलकत्ता में भी है, जी जी जी, मुंबई तो नहीं कह रहा, जी सर, वहीं से उनका एक्टिंग कर रहा है, जी मुंबई में तो लोग अपने वो काम लेने के लिए जाते हैं, जी सीखने के लिए, तो अगर बिजली फूट में जाते हैं तो ठीक है, वो अगर किसी, और एक्टिंग अलग चीज है, डायरेक्शन अलग चीज है, सिनेमाटोग्राफी, क्योंकि फिल्म मेकिंग के लिए बुंदेलखंड में इस तरह का अभी प्लेटफॉर्म नहीं है, तो बनेगा, ये किस लेके आए उस तरह का प्लेटफॉर्म, और आप लोग अगर कॉपरेट करोगे उसमें तो जरूर बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, आप लोगों के अंदर आत्मविश्वास जगाने के लिए हम लोग आए, कि आप लोगों के अंदर आत्मविश्वास हो, आप लोगों के अंदर एक इच्छा हो, तीव्र इच्छा हो कि हमें यहाँ फिल्म इंडस्ट्री लानी है। थैंक यू।